एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, अर्धसैनिक बल की 4 कंपनियां मौके पर पहुंच गई हैं। पीएससी की 2 कंपनियां भी हल्द्वानी पहुंच चुकी है। पुलिस की सहायता के लिए अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की जा रही है। अर्धसैनिक बल की 4 कंपनियां और पीएससी की 2 कंपनियां हल्द्वानी पहुंची हैं, इस वक्त की बड़ी खबर। सुरेंद्र हमारे साथ बने हुए। सुरेंद्र, प्रशासन की ओर से कोई चूक की गुंजाइश नहीं छोड़ी जा रही है। पीएससी भी बुला ली गई है, अर्धसैनिक बल भी बुला लिए गए हैं। देखिए, बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने कहा है हमारा सबसे पहले ये इस समय हमारा पूरा जो फोकस है वो घायलों की मदद करना है, कोई लोग फंसे हैं उनको निकालना है और उसके बाद कैसे इस क्षेत्र में शांति बहाल हो उस पर ध्यान दिया जा रहा है और फिर घटना के कारणों की जांच भी होगी कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना कैसे हुई, क्या इंटेलिजेंस फेलियर था, इतना बड़ा षड्यंत्र यह है जिसमें पहले से लोग तैयारी कर रहे थे, इसकी भनक क्यों नहीं लगी। और दूसरी बड़ी बात, ये लोग जो अतिक्रमण का, जो अवैध कब्जे का समर्थन कर रहे हैं, इनको क्यों प्रशासन की यह कार्रवाई इनको पसंद नहीं आई, जिस तरीके से सरकारी जमीन को खाली कराने के लिए जब प्रशासन की टीम आती है और ये इस तरीके से पत्थरबाजी उसमें करते हैं। 100 के करीब पुलिसकर्मी घायल हुए हैं जो अलग अलग जगह पे इलाज करा रहे हैं, जिनका अलग अलग जगह इलाज चल रहा है। कई गाड़ियां फूकी गई है, कई मीडिया कर्मियों की भी गाड़ियां जलाई गई हैं, कई लोग घायल हैं और उन्हीं सबको पहले मदद देने की प्रशासन। सुरेंद्र, आपने बताया पत्थरबाजी जो की गई है उसमें कई पुलिस वाले घायल हुए हैं, वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसमें पत्थरबाजी करते हुए लोग साफ साफ नजर आ रहे हैं और इसमें जो उपद्रवी हैं इसमें बड़े पैमाने पर महिलाएं भी शामिल दिख रही हैं। घरों की छत से पत्थरबाजी की जा रही है, कतार से लोग खड़े हैं और वहां से पत्थरबाजी की जा रही है। सुरेंद्र, अगर बात की जाए वीडियो जो सबूत सामने आए हैं, क्या इनको भी आधार बना करके गिरफ्तारियां की जा सकती है, क्योंकि साफ साफ देखा जा सकता है कौन पत्थरबाजी में शामिल थे। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है, जो आईबी की यूनिट है, वो तमाम टीमें अब हर जगह काम कर रही हैं और ये वीडियोस के जरिए देख रही हैं कि इनमें कौन कौन लोग हैं, कौन से ऐसे वांछित लोग हैं, क्या कोई पुराने हिस्ट्री सीटर हैं, क्या उस जगह के प्रमुख लोग हैं, क्या पॉलिटिकल लोग हैं। इन सब को रात भर इसी तरीके से इनकी शिनाख्त की जाएगी और उसके बाद इन सब की अरेस्टिंग की जाएगी, क्योंकि कर्फ्यू घोषित किया जा चुका है। कल स्कूल बंद रहेंगे पूरे हल्द्वानी ब्लॉक के, पूरे जो पूरा शहर है उसका बाजार बंद रहेगा और कर्फ्यू सबसे बड़ी बात है सिर्फ बनभूलपुरा नहीं, पूरे हल्द्वानी शहर के लिए है, क्योंकि बनभूलपुरा का जो पूरा क्षेत्र है वो मुख्य बाजार को जोड़ता हुआ है। ठीक है चंदन, क्योंकि हल्द्वानी मेरा गृह क्षेत्र है तो मैं वहां की टोपोग्राफी को बहुत बेहतर तरीके से जानता हूँ। आप इस खबर पर नजर बनाए रखे सुरेंद्र, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो बनभूलपुरा इलाके में हल्द्वानी के किस तरह से पथराव हुआ है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से वहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने की कोशिश की गई है और ये सब कुछ अवैध मदरसे और नमाज स्थल को तोड़ने को लेकर के हुआ है। Z News.